सुनिए भाई साहब। हाँ जी, ये क्या आप बता सकते हैं सायरा बेगम का घर कौन सा है? अरे मियाँ, सायरा बेगम का पता पूछ रहे हो आप? अरे मियाँ, इस गांव का हर रास्ता सायरा बेगम के घर से होके जाता है। मैं समझा नहीं। वो मकान दिख रहा है आपको? उस मकान का नाम चराग है। गांव की सभी औरतें वहां पढ़ने जाया करती हैं। इस गांव का चराग रोशन है सायरा बेगम से। ऐसी बहादुर थी नानी लक्ष्मीबाई। हमें ऐसी औरतों से अपनी जिंदगी में सबक लेनी चाहिए। जरा देखना बेटी कौन है। जी अम्मी। अच्छा सलमा, अब तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं करते। अरे नहीं आपा, आपकी तालीम की वजह से ही तो मेरी भाभी जान का नौकरी मिली है। जी सायरा बेगम का घर यही है। हाँ जी, और अब तो मेरे अब्बू भी ये चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख के कुछ काबिल बनूं। ठहरिए, मैं अभी बुलाती हूँ। जी अम्मी, आपसे मिलने कोई बाहर आया है। हमसे मिलने? आपके बारे में पूछ रहा है, वो बाहर खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अंदर आओ बेटा। जी बैठो। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जी मेरा नाम असलम है और मुझे किस्से कहानियां लिखने का शौक है। और हाल ही में मैंने एक ऐसी औरत की दास्तान लिखी है जो हर इंसान के लिए हिम्मत और हौसले की एक मिसाल बन चुकी है। और जी उसी की एक पहली कॉपी आज मैं आपको देने आया हूँ। मुझे? जी। या अल्लाह, ये तो मेरी तस्वीर है। वरना खाला आएंगी और कहेंगी अब भी मैं सबकी पिटाई करती। या अल्लाह, इधर तेरा नाम लिया उधर तू हाजिर। अरे भाई, इसी को तो कहते हैं कि दिल से दिल को राह होती है। तू ही पढ़ाएगी। अरे बाबा सायरा, मैं कब से तुमसे कह रही हूँ कि तुम भी थोड़ा सा पढ़ना सीख लो ना। या अल्लाह, किसने की पढ़ाई? अरे भाई, इल्म हासिल करने की कोई उम्र थोड़ी होती है, और पढ़ाई लिखाई तो किसी भी उम्र में की जा सकती है। अरे वाह, और लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे हाथ में जब किताब देखेंगे ना तो थोड़ा बहुत जलेंगे भुनेंगे और थोड़ा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन फिर उन्हें समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई की क्या अहमियत है और वो भी पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे। अब तुम लोग खामोश होते हो या नहीं? हमें सायरा, ये तेरी छोटी वाली बहुत ही शैतान है। तुझे पसंद है? बहुत प्यारी है। ये देख सायरा, मैं ये किताब लाई। देख ये देख, ये ऐसी औरतों के बारे में है जिन्होंने अपनी हिम्मत से और अपनी मेहनत से समाज में एक अहम मुकाम हासिल किया है और हम जैसी औरतों को एक रास्ता दिखाती हैं। ये देख, इनकी तस्वीरें भी हैं। ये देख। अरे वाह, फिर तो मैं ज़रूर सुनूंगी इनकी दास्तान। फिर वही सुनूंगी। देख, मैं कब से तुझे पढ़ पढ़ कर किस्से कहानियाँ सुना रही हूँ। सायरा, अब तू भी पढ़ना लिखना सीख ले। अगर तू ऐसा करती है ना, फिर मोहताजगी नहीं रहेगी। फिर तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। हाँ ज़रूर पढ़, अपनी बच्चियों को भी पढ़ा और फिर इनको भी किस्से कहानियाँ सुनाया करना पढ़ पढ़ कर। पक्का? सच। और फिर देख, मैं भी आ जाया करूँगी सुनने के लिए, क्योंकि अब तक, हाँ क्योंकि अब तक तो मैं सुनाती रही ना, जब तू पढ़ना सीख लेगी तो मैं भी आके बैठ जाया करूँगी और बस सुना करूँगी। ज़रूर। आरजू। आदाब अबू। आदाब। सलाम अलैकुम अबू। वालेकुम सलाम। स्कूल के लिए देरी हो रही है ना, हाई स्कूल जाओ। कैसे हैं अबू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, आप कब जाना है? पास के गांव में मेला लगने वाला है और आप तो जानते हैं कि मेले में अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मैं जरा गठरी रख के आता हूँ अबू। रख कर आओ, गठरी रख कर आओ। सायरा, कल ही तो तुम आए थे और कल
गली चले जाओगे? पता है तुम्हारे जाने के बाद वक्त काटे नहीं करता, एक एक पल काटना कितना मुश्किल हो जाता है। सच कहूं सायरा, तुमसे दूर तो बस मेरा जिस्म जाता है, मन तो यही तुम्हारी आंखों में खोया रहता है। अगर पापी पेट का सवाल नहीं होता तो हम आपसे एक पल के लिए भी जुदा ना होते, और हमें अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल भी तो बनाना है। सो तो है, हम तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बन गए तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। सचमुच वो दिन कितना हसीन होगा ना, जब हमारे बच्चे बड़े होके औरों की तरह नौकरी करेंगे, तब तुम्हें यूं डर डर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हसीन ख्यालों में ही डूबे रहने का इरादा है, या फिर इस हसीन रात को हसीन बनाना है? क्या मतलब? अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा। पानी पीने आया था। पानी तो वही रखा है। आप चाहिए, मैं लेके आती हूँ। आदाब चचा जान। आदाब जीनत, कैसी हो? खैरियत से हूँ, आप बताइए आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम तशरीफ रखो, मैं अभी आया। जी जीनत तू? और सायरा की बच्ची, मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ, सुना क्यों नहीं था? अरे मैं तो किताबों में खोई थी। किताबों में या कहीं और? चल हट। अरे अरे बच्चे आ गए। आओ बच्चा। खाला जान। आदाब मम्मी जान। आ जाओ बच्चा, बच्चा आ जाओ। दादा जान को पानी दे के आ जाओ। और बेटा वहाँ पे खाना रखा हुआ है, आप लोग बस मुँह हाथ धो लो, मैं बस आती हूँ। ठीक है बेटा, खाला जान से बात करके। देख मैं कह रही थी कि मैं ये किताब तुम्हारे लिए लेके आई। अरे वाह, मेरे जो भैया है ना वो कल दिल्ली जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो उनके साथ मैं कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी, वहाँ पे नज़र पड़ी इस किताब पे, तो मुझे लगा कि तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, मैं ले आई। रखो। ये सब तो ठीक है, पर ये दिल्ली वाले का क्या चक्कर है, कहीं यहाँ से जी तो नहीं भर गया? अरे सायरा जहाँ पर तुम हो वहाँ से भला दिल भर सकता है? अरे बच्चों चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। जल्दी करो बच्चों, जल्दी, देर हो रही है। ठीक है, ये लो पैसे, लो आइसक्रीम खाना और इसे भी जरूर खिलाना, ठीक है? जा। बड़ी से एक एक। वाह सायरा वाह, सच में तुमने बहुत मेहनत की है, और इसी तरह से कोशिश करती रहो तो सब कुछ सीख जाओगी। पता है जीनत, पहले उनके जाते ही वक्त काटे नहीं कटता था, और अब तुम्हारी किताबों में इतना उलझ जाती हूँ कि वक्त का पता ही नहीं चलता। इस जुनून को बरकरार रखना सायरा, फिर देखना तुम कितनी जल्दी कामयाब हो जाती हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने नूर भाईजान को बताया कि तुम अब पढ़ना सीखने लगी? नहीं, नहीं अभी नहीं, सोचती हूँ पहले कुछ अच्छे से सीख लूं, फिर उनको बताऊंगी, और जब उन्हें पता चलेगा तब तो खुशी से उछल जाएंगे। वो सिर्फ खुशी से उछलेंगे ही नहीं, बल्कि उनको अपनी बेगम पर भी बहुत फख्र होगा। बिल्कुल।
उफ, मुझे जाना होगा। अरे मुझे अपने बेटे को लेने जाना है, मुझे बातों में पता नहीं लगा ना। तुम ऐसा ही ये सब पढ़ के रखना, मैं शाम को जरूर आऊंगी। हाँ पक्का आना। जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपने आराम से पढ़ती। बोलने सुनने में वक्त जाया क्यों करें? हम जानते हैं कि नूर के इस तरह से बार बार बाहर चले जाने से तुम्हारी प्यास अधूरी रह जाती है, इसीलिए हमने सोचा आप अभी यहाँ पे भी नहीं हैं। हम तुम्हें मुकम्मल खुशी देंगे। हम तुम्हें मुकम्मल खुशी देंगे। अबे छोड़िए। ये आवाज तो सहरा आपा की लगती है। आपा, सहरा आपा। आदाब। वो सहराबा। क्या हुआ? वो सहराबा, आप आइए। आदाब। खैरियत? सायरा, 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 सायरा। इमरान तुम वापस जाओ, बेटा तुम भी घर जाओ, और सायरा की बच्चियों को भी ना तुम मेरे ही घर ले जाना। जाओ। पर हुआ क्या? अरे मैं बाद में बात करूंगी, तुम जाओ फिलहाल। जी। सायरा, सायरा। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। चल क्यों? रिपोर्ट कर ले। हाँ, तुझे अपने ऊपर जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी ना सायरा, वरना वो दरिंदा जब भी मौका मिलेगा तुझे नोचने के लिए आ जाया करेगा। देख, तू उसके गुनाह पे पर्दा नहीं डालेगी। मैं उसके गुनाह पे पर्दा डालना नहीं चाहती जीनत। तो चल मेरे साथ उठ। लेकिन मैं उनका इंतजार करना चाहती हूँ, उनके आने तक। और अगर नूर ने तेरा साथ देने से इनकार कर दिया तो? नहीं, वो गुनहगार का साथ नहीं देंगे। नहीं देंगे तो तुझे अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बस दो दिन की बात है जीनत, वो आ जाएंगे। फिर वही होगा जब वो जाएंगे। कानून के साथ अगर हमें रहना है तो हमें सबूत भी इकट्ठा करना होगा। सबूत? हाँ, तेरी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होगी ना। चल। हाँ? कहाँ? अभी तो तू डॉक्टर के यहाँ चल, फिर पुलिस स्टेशन चलते। चल चल, आ जा, हिम्मत रख। देखिए बलात्कार तो हुआ है इनके साथ। Stop!
अली मोहम्मद, अली मोहम्मद, छोड़ दे, छोड़ दे, दायरा को, अली मोहम्मद, अली मोहम्मद, दायरा को, दायरा को, अली मोहम्मद, अली मोहम्मद। सायरा, आरजू, सायरा, सायरा, आप यहां बैठी हैं, हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, हमारा इंतजार कर रहे थे और हमें याद करके रो रहे थे। इस पर बिक्री बहुत अच्छी हुई है और इसलिए हम आपके लिए चूड़ियां लेकर आए हैं। आपको पसंद है ना? और ये बच्चे कहाँ है? जीनत के घर में इतना सन्नाटा है और अब्बू भी दिखाई नहीं दे रहे। सायरा, सायरा, आखिर बात क्या है? बताइए बात क्या है? इस बार हाँ, जब आप बाहर गए थे, हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं हो सकता। सायरा, आपको पता है आप क्या बोल रही हैं? सायरा, आपको पता है कि आप क्या बोल रही हैं? उन्होंने हमारा बर्दाश्त कर, उन्होंने हमारा बर्दाश्त कर, उन्होंने कहा है वो? हम भी चिंता नहीं छोड़ेंगे। आप हमें बताइए कहा है वो? अब हमारी कसम, हम कुछ नहीं करेंगे। आप जेल चले गए तो हम आपके बगैर जी नहीं पाएंगे। अब हमारी कसम, हम कुछ नहीं करेंगे। कसम खाई हमारी, हमारी कसम, कसम खाई हमारी, अब उन्हें कुछ नहीं करेंगे, कुछ हमारी कसम, हमारी कसम खाई। हमें उस गुनहगार को सजा तो दिलवानी ही चाहिए। हाँ, तो फिर हौसला रख। तुम सही कह रही हो, हमें उन्हें सजा जरूर दिलवानी चाहिए, लेकिन लेकिन हमें शरीयत के खिलाफ भी नहीं जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि पंचायत में हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन अगर तुम लोगों की मर्जी है तो ठीक है, इस राह पे भी चल के देख लेते हैं। तमाम हालात को जानते हुए हम वही फैसला सुनाना चाहते हैं जो शरीयत के तहत जायज है। अली मोहम्मद ने नूर की बेगम सायरा के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए, ऐसे हालात में सायरा नूर के साथ तो रह सकती है, लेकिन नूर अब सायरा का शौहर नहीं बल्कि बेटा हो। ये कैसा फैसला है? मैं इसे नहीं मानती। खामोश कुत्ता, खामोश। इतने लोगों के बीच में एक औरत का बोलना हम बदचलनी समझते। सायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, गुनाह किसी और को और सजा किसी और को। आप
हेलो पुलिस स्टेशन जी, मैं मिर्जापुर गांव से बोल रही हूँ जी। यहाँ एक पंचायत हो रही है। हमें आप लोगों पर इतना भरोसा था, लेकिन आप लोगों ने फैसला सुना दिया आपने, हार में गए आप और आपका इंसाफ। मैंने फैसला किया है कि सायरा मेरे साथ रहेगी और वो भी मेरी बीवी बनकर। आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए। खामोश, हम तुम्हारे खिलाफ भी फतवा जारी करेंगे। अंजाम से उन्हें डरना चाहिए जिन्होंने गुनाह किया। अली मोहम्मद कौन है? ये रुको, आप हमारी शराई पंचायत में दखलंदाजी कर रहे हैं। इसका फैसला अदालत करेगी। चालक दरोगा जी, कौन हो तुम? सीनत तुम? सायरा, इतने बरस बाद हमारी याद आई, भूल गई थी ना हमें? भूलती तो आती कैसे? सही वक्त पे आई हो तुम। इधर आओ, मिलवाती हूँ तुम्हें किसी से। जी आदाब। क्या नाम था बेटे आपका? असलम। इन्होंने हमारे ऊपर कहानी लिखी। जो बातें जमाने को पता थी वो भी इन्होंने लिखी है, और जो बातें बस मेरे दिल में दबी हुई थी वो बातें भी लिखी है। सायरा, मैं इनका सही तारुफ तुमसे कराती हूँ। तू? हाँ, ये हमारा बेटा है असलम। या अल्लाह, या अल्लाह, कितना बड़ा हो गया ये तो, इतना सा तो था, कितना बड़ा हो गया। सायरा, तुम और हम बूढ़े हो गए तो बच्चे बड़े नहीं होंगे। अरे हाँ। कितने साल गुजर गए सायरा। अरे सुनते हो? अरे क्या हुआ भाई? इधर तो आओ, देखो तो कौन आया है मिलने। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। अरे जीनत, तुम कब आई? बस जब आपने देखा। वालेकुम सलाम। पहचाना इसे? असलम। अरे असलम मियां, आप तो माशाल्लाह जवान हो गए। अरे आरजू बेटी, इधर तो आ, शरबत लेके आना, देख कौन आई है। बेटी भी बड़ी हो गई। हम भी तो बड़े हो गए, बच्चे तो बड़े होंगे ही। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बेटी आरजू, बड़ी वाली, पहचाना? खाला है जीनत खाला। पिताई कर दूंगी।